प्रखंड सिसई के पुराने ब्लॉक परिसर में कोरोना सम्मान समारोह से सरूल पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जीप अध्यक्ष किरण बाड़ा उपस्थित रहे। इस मौके पर जीप अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना समय में इन सभी का काफ़ी भूमिका रहा है, प्रखंड क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कि आप लोग जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना के लिए प्रखंड सिसई को काफ़ी ज़्यादा टीकाकरण के लिए मतलब प्रयास किया गया था और इस टीकाकरण के आप लोग नहीं आएंगे तो फिर भी हमारे समाज के ऊपर सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसके कारण हम लोगों ने 100% टीकाकरण के कार्य को किया और इसमें जिन लोगों ने अपना योगदान दिया आज हम लोग उनको सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही 4 तारीख को सरहुल है, उसके लिए हम लोग इस पावन पर्व को ये पूर्व संध्या के रूप में आज के दिन हम लोग मना रहे हैं और इसमें हमारे जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे सरकारी कर्मी हैं, सभी आज इसमें भाग लिए। कोरोना महामारी से लोग काफ़ी त्रस्त थे और सभी लोग बहुत मुश्किल से बचे हैं और कोरोना काल में हम लोगों का सभी त्यौहार को हम लोग नहीं मना पाए थे और आज यहाँ पर प्रखंड परिसर में कोरोना सम्मान समारोह सरूल पूर्व संध्या आज मनाया जा रहा है। इसमें सभी जो अच्छे कार्य किए हैं हमारे समाज में बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग हैं, साथ साथ जनप्रतिनिधि लोगों के साथ साथ, तो वो लोग का काफ़ी मेहनत काफ़ी प्रयास क्षेत्र में रहा है और सभी लोगों को जागरूक करने में, वैक्सीन दिलाने में सभी लोगों का अहम भूमिका रहा है और हम लोगों का सरहुल महापर्व जो यहाँ का मेन पर्व है और प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगी कि कल परसों 4 तारीख को सरहुल हम लोगों का है, तो इसलिए हम लोग आज यहाँ पर पूर्व संध्या कर रहे हैं और बहुत मुश्किल से 20 से लगातार हम लोग कोरोना से जूझे हैं, तो आज हम लोग खुश हैं, सब लोग आनंदित हैं और सरहुल पूर्व संध्या मना रहे हैं और माँ चाला से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि सभी को स्वस्थ रखें, निरोग रखें और ऐसी महामारी से हम सबों को बचाएं। इसका भी हम लोग आज का इस बैठक से, आज का इस सम्मेलन से हम लोग संदेश देते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।